अभी हाल ही में हमने आपको खबर बताई थी कि आमिर खान साहब के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि महाभारत पर मुकेश अंबानी 1000 करोड़ लगाने वाले हैं। लेकिन जनाब, आमिर की महाभारत शुरू होने से पहले ही इस फिल्म को लेकर ट्विटर पे महाभारत शुरू हो गई है और कारण है आमिर का कृष्ण अवतार। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। खबर आई थी कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद आमिर खान महाभारत से जुड़ने वाले हैं। आमिर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू होने वाला है जो 3 से 5 सीरीज में आने वाला है और ये इंडिया की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के सबसे महंगे होने का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि मुकेश अंबानी 1000 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि और भी पैसा लगने वाला है इस फिल्म पर। पर जनाब, फिलहाल तो आमिर खान साहब की ये फिल्म बनने से पहले चर्चाओं में है और चर्चा है विवादों की वजह से। ट्विटर पर वॉर छिड़ गई है, ट्विटर पर विवाद छिड़ गया है आमिर खान के कृष्ण अवतार को लेकर। खबर आई थी कि आमिर खान साहब इस फिल्म में कृष्ण का अवतार निभाने वाले हैं। हालांकि आमिर ने कहा था कि उन्हें कर्ण का किरदार ज्यादा पसंद है, पर हो सका तो कृष्ण का किरदार निभाएंगे और यही बात ट्विटर पर चर्चा के रूप में शुरू हुई। तब तक ठीक था, लेकिन अचानक से भारत में बसे फ्रेंच मूल के पॉलिटिकल राइटर फ्रैंकोइस गौतियर ने एक ऐसा ट्वीट किया जिस पर बहस छिड़ गई। गौतियर ने आमिर खान के महाभारत में कृष्ण का रोल करने की खबर को लेकर ट्विटर पर लिखा, आमिर खान जो कि एक मुसलमान हैं, हिंदुओं के सबसे प्राचीन और चर्चित महाकाव्य के किरदार को निभाने का मौका उन्हें क्यों मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या एक मुसलमान एक हिंदू को मोहम्मद का रोल निभाने देगा। इस ट्वीट में फ्रैंकोइस ने मोदी सरकार पर भी सवाल उठा दिए। फ्रैंकोइस के ट्वीट के बाद आमिर खान के फैंस तो उनके सपोर्ट में उतरे ही, साथ ही साथ मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि क्या तुमने पीटर ब्रुक्स के प्रोडक्शन में बनी महाभारत नहीं देखी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह की सोच देश में फैलाने के लिए तुम्हें किस विदेशी संस्था से पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से आमिर खान की फिल्म महाभारत को लेकर ट्विटर पर महाभारत छिड़ गई है। बहरहाल आपको बताते चलें कि आमिर खान जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं महाभारत, उसमें वो कृष्ण का अवतार निभा सकते हैं। कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि वो इस पूरी महाभारत में कर्ण के किरदार से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अर्जुन का किरदार निभाएं। लेकिन फिलहाल तो महाभारत शुरू होने से पहले ट्विटर पर छिड़ी है महाभारत। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।